तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले राम राम लिख दो, कि जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। आज आपके भाई का बर्थडे है, 21 जुलाई है, तो 21 जुलाई को भी जो है मेरा बर्थडे आता है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पर विश करा। इंस्टाग्राम पर जाके देखो यार, ऊपर आ रहा होगा कितने सारे भाइयों ने विश करा, दिल खुश हो गया सच्ची में। तो आप सभी का धन्यवाद। खैर गाइस, आज शाम को 8 बजे आएगी अपने अलॉय व्हील्स की वीडियो, और गाड़ी का अलॉय व्हील्स जो है मैं रिवील करने वाला हूँ शाम को 8 बजे। तो मेक श्योर 8 बजे आप लोग आगे देखिएगा। एनीवेज गाइस, आज की जो वीडियो है वो रहेगी अपनी अल्टो पे। तो बेसिकली अल्टो लीक हो चुकी है, 2022 अल्टो जो है फुली लीक हो चुकी है। बहुत से लोग वेट कर रहे थे इसका। अब 2022 वाली जो अल्टो है वो 100% भाई आप लोगों को ना एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा गाड़ी कैसी कुछ है, कैसी कुछ दिखेगी। मतलब सच्ची में मैं भी यूँ सोच रहा हूँ कि भाई अल्टो है क्या ये। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और जो जो मेरे भाई वेट कर रहे हैं अल्टो लेने का, बस थोड़े दिन और वेट कर लो, मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, अल्टो की अगर हम लोग बात करें तो इस गाड़ी को कौन नहीं जानता। एंड देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा, ऐसे मजाक मजाक में बोला जाता है कि कभी किसी का बाइक लाने का मन होता है तो अल्टो ले आते हैं। हालांकि आज की डेट में अगर मैं बात करूँ अल्टो का भी जो प्राइस है भाई, वो अच्छा खासा पहुँच चुका है, तो सस्ते वाला सीन नहीं रहा। और यार फिर अगर बाइक्स की बात करें तो 1.5 लाख रुपये से कम तो अच्छी बाइक भी नहीं आती आजकल। खैर ये सब छोड़ते हैं भाई, अल्टो की मैं बात करूं तो इस गाड़ी को फेसलिफ्ट्स बहुत कम मिलते हैं या फिर इसका न्यू वर्जन बहुत ही कम आता है। बट मारुति इज अगेन ऑन फायर। अभी थोड़े दिन पहले की बात करें, बलिनो, बलिनो के बाद ब्रेजा, ब्रेजा के बाद अभी वितारा लॉन्च करी, अब वो लोग छोटे सेगमेंट की भी अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। और भगवान जाने मारुति कहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ एकदम से लाने का प्लान ला रही है। खैर हमारे लिए तो अच्छा ही है। अब मैं दिखाता हूँ एक्सक्लूसिव इमेजेस आपको द ऑल न्यू अल्टो की। देखो यार, देखने में तो ना डिट्टो ये गाड़ी ऐसी लग रही है जैसे, मतलब आप बताइएगा कौन सी गाड़ी जैसी लग रही है, आखिरी में तो मैं बता ही दूंगा। खैर एक एक चीज़ की हम लोग बात करें तो भाई अल्टो जो है 100% चेंज करती है यहाँ से, पूरी की पूरी जो उसके लुक्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। व्हील साइज है वो बढ़ा दिया है गाड़ी का। रूफ अगर आप देख रहे होगे अब मच वाइडर और मच ब्रॉड लग रही है देखने में। साइड में अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे इंडिकेटर्स हमें दिख रहे हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली गाइस, ये जो है ये टॉप एंड वेरिएंट्स में से आएगा। तो यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट में ये कन्फर्म्ड है कि रियर वाइपर जो है आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जो पीछे वाला भी है। वहीं पर गाइस अगर हम लोग साइड प्रोफाइल की बात करें गाड़ी की, तो साइड प्रोफाइल में भी जो गाड़ी है ज़बरदस्त लग रही है देखने को। तो एक चीज़ है कि पहले जो ना अल्टो ऐसी लगती थी कि भाई एकदम सस्ती गाड़ी होगी या फिर इतनी महंगी गाड़ी नहीं होगी, बट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो भाई गाड़ी जो है अच्छी खासी लग रही है। मतलब ये है कि हाईवे पर अगर ये गाड़ी अभी आएगी ना तो इतना ज्यादा वो वाला फैक्टर नहीं रहेगा कि एंट्री लेवल सेगमेंट की आप लोग गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप एक सस्ती गाड़ी चला रहे हैं या जो भी है, जिसका जितना बजट होता है उसके हिसाब से होता है। बट लोग फिर भी टीजिंग तो करते ही हैं, वो सब छोड़ते हैं। इधर से अगर आपको दिख रहा होगा भाई, बूट स्पेस जो है गाड़ी में वो भी अच्छा खासा दे दिया गया है। एंड हाइड्रोलिक्स जो है दो यूज करेंगे, आपके बार मोस्टली जो है एक यूज करता है मारुति करती है अपनी सस्ती गाड़ियों में, तो कॉस्ट कटिंग जैसी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है। ये कलर जो है आप लोगों को ब्लू दिख रहा है एंड बेस एंड वेरियंट है, अलॉय व्हील्स किसी भी वेरिएंट में इसमें ऑफर नहीं करे जाएंगे आपको। रिम जो है सिंपल वही चढ़ाई जाएगी। गाड़ी जो है बेसिकली टीवीसी शूट के दौरान निकली गई थी बाहर। कलर जो है मैंने आपको ब्लू तो ऑलरेडी यहां पे दिखाई दिया, अब मैं चलता हूं आपको लेके रेड कलर की तरफ कि गाड़ी रेड कलर में कैसी लगेगी। तो गाइस इधर आपको दिख रहा होगा ये जो है रेड कलर में गाड़ी देखने को मिलेगी। पर्सनली देखो भाई, मेरे को तो ब्लू काफी ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में। मोस्टली मार्केट में 99% तो है आप लोगों को वाइट ही गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ये सारी जो है मतलब सब्जेक्टिव होता है यार कलर्स के बारे में, देखो हमेशा बताऊँ। इधर से कैसे अगर आप लोग डैशबोर्ड पे भी थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे तो सेम वैसा ही डैशबोर्ड आप लोगों को मिलने वाला है जो आजकल मारुति अपनी हर गाड़ी में यूज़ करती है। मेरा मतलब ये है कि जैसे ब्रेजा में भी आप लोगों ने देखा था या फिर आप लोगों ने बलिनो में देखा था, तो बेसिकली पहले जो वो गोल शेप का डैशबोर्ड आता था वो आउटडेट हो चुका है एंड मारुति मोस्टली उसको हटा रही है। दोनों गाड़ियाँ आसपास में आपको दिखा दूँ तो यहाँ से आपको दिख रही होंगी, अगल बगल में जो है गाड़ियाँ ऐसा कुछ लगने वाली है। यार देखो, अगर मॉडिफिकेशन वाला दिमाग में बताऊं ना तो मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि भाई इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगाने के बाद ओए होए 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 क्या जबरदस्त लगेगी देखने में। और मतलब ठीक है, आज तक अल्टो में इतने अलॉयज अच्छे लगते नहीं थे, बट ये गाड़ी जो है अच्छी खासी स्टैंड्स लेके आएगी, ऊपर के आएगी। गाइस मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, अभी नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 6 एयरबैग्स मैंडेटरी होने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से अल्टो का ये वन ऑफ द लास्ट अपडेट्स में से होगा जो कस्टमर्स को मिलने वाला है। रीज़न बीइंग कि जिस दिन ये रूल यहाँ पे इम्प्लाई हो जाता है या फिर लगा दिया जाता है, लागू हो जाता है, उस दिन के बाद अल्टो जैसी जो गाड़ियाँ हैं उनका अस्तित्व कुछ नहीं बचने वाला मेरे भाई। रीज़न यार देखो सिंपल सा यही है कि एक तो
छः एयरबैग आते हैं तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एंड फिर जो एल्टो हमने आज तक देखी थी वो सिर्फ एक एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी मानी जाती थी, बट इधर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे छः एयरबैग्स आने के बाद कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो मोस्टली मारुति ने भी कहा था कि हमें जो अपने मॉडल्स हैं वो डिसकंटिन्यू करने पड़ेंगे, सेलेरियो या एल्टो। अच्छा गाइस, मैंने आपसे पहले एक चीज़ बोली थी कि ये गाड़ी आपको कौन सी गाड़ी जैसी लग रही है देखने में, तो मेरे कई भाइयों ने शायद सेलेरियो लिखा भी होगा नीचे। तो हाँ भाई, 100% मुझे तो जो गाड़ी है ना ये सेलेरियो की डिट्टो वैन लग रही है देखने में, कि भाई हाँ सेलेरियो जो पुराने वाला मॉडल था अपना, नए वाले की बात नहीं कर रहा, पुराने वाला जो सेलेरियो मॉडल था उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके जो है गाड़ी को एल्टो बना के लॉन्च कर दिया गया। फिर भाई देखो, डिफरेंट भी हो सकती है कुछ ना कुछ। अब जैसा मुझे लगा वैसे मैंने आपको बताया कि मुझे तो जो है भाई डिफरेंट लग रही थी। खैर ये सब छोड़ते हैं, गाड़ी जो है इंडियन के लिए आने वाली, हमारे लिए आने वाली, तो बस हम लोग वेट कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ इस गाड़ी में आपको देखने को नया मिलने वाला है एंड क्या कुछ चीज़ों के साथ जो है गाड़ी बेसिकली आएगी। तो भाई 5 बिग अपडेट्स हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मोर पावरफुल इंजन आने वाला है अब की बार आपको, 1.0 लीटर का K10C ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन आने वाला है। सेम वो इंजन है जो आपको अभी रिसेंटली अपडेटेड एस्प्रेसो में देखने को मिला था। 67 bhp की इसमें पावर है, 89 nm का इसमें टॉर्क है। और उसके बाद मैं बात करूं, एक स्लाइटली मोर पावरफुल टॉर्कर इंजन है ये बेसिकली, जो अपना पिछले वाला इंजन था 796 cc का जो दिया जाता था। CNG फ्यूल ऑप्शन भी शायद से आपको देखने को मिलने वाला है। बैटर डिज़ाइन की मैं बात करूं तो इस गाड़ी में बैटर डिज़ाइन आपको मिलेगा, सिग्नेचर टॉल बॉय डिज़ाइन बेसिकली यहाँ पे कंपनी बोलती है। बिगर स्वेप्ट बैक हेडलैम्प्स मिलने वाले, रूफ लाइन मिलने वाली है फ्लैटर फेंडर्स के साथ। सेलेरियो से गाड़ी है कहीं ना कहीं इंस्पायर यहां पे हमें देखने को मिल जाती है। अच्छा गाइस, जो गाड़ी है एग्जैक्टली देखो स्पाई इमेजेस से इतना तो नहीं पता चला कि भाई इसके साइज क्या है या फिर कितने दिखेगी, बट हाँ ये स्लाइटली बिगर है जो पुराने वाली हमारी एल्टो होती थी उनसे। तो अच्छी बात है ना कि पुराने वाली एल्टो से जो है अब आपको बड़ी देखने को मिलने वाली है। तो गाइस देखो, अब हम बात करते हैं कि गाइस प्राइसिंग में क्या कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग जो एल्टो है उसमें आप लोग आराम से 60-70 हज़ार रुपये मान सकते हैं। ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ मारुति के ब्लूप्रिंट से ही, जो जितना भी अभी तक उनने गाड़ियों में करा है या फिर हम लोगों ने मारुति में भी देखा था, ब्रेजा में देखा था, जिस हिसाब से हम लोगों ने प्राइस में इंक्रीमेंट करा था, तो 40 से लेके 70 हज़ार रुपये तक आप लोग प्राइस इंक्रीमेंट मान सकते हैं यहाँ पे। और फिर ठीक है, एक अपडेटेड मॉडल है, इतना देना बनता भी है। खैर गाइस, अब इस गाड़ी के बारे में जितनी भी मुझे इमेजेस या इन्फॉर्मेशन मिलेंगी मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। आप लोगों को कैसी लगी गाड़ी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएगा। मिलेंगे हम लोग आपसे ऐसी और एक वीडियो में जल्द, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए कि भाई आप कौन सी नई गाड़ी का लीक लेके आए आपके हर्ष भाई। तो चलिए बाय बाय, और शाम को 8 बजे तक का वेट करेगा अलॉय व्हील्स की जो वीडियो है वो 100% आज आपको देखने को मिलने वाली है पार्ट 1 में। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा एल्टो 2022 के बारे में मैंने आपको बताया, तो भाई गाड़ी जो है वो तो फाइनली पूरी लीक हो चुकी है। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर लिख के बताना, और रात को 8 बजे की अलॉय व्हील्स की वीडियो आने वाली है तो उसका भी आप लोगों को वेट करना बनता है ना। तो रात को 8 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई लोग, आज की वीडियो देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करें बहुत जाएगा। मिलेंगे हम लोग आपसे ऐसे ही, बाय और धन्यवाद।